आप सबको तो पता ही है ब्लैक मैजिक की तरह से कैमरा ऐप जो रिलीज हुआ है, जो कि सबसे पहले आईफोन में ही काम करता था, उसके बाद में उन्होंने एक लिस्ट जाहिर की जिसके अंदर सैमसंग, शाओमी और भी कुछ मोबाइल के लिए एक लिस्ट है उसके अंदर ये काम कर रहा है। बट अगर अभी हमारा मोबाइल का नाम उसके अंदर नहीं है, अगर हमें उसे यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे, वही आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि मेरा जो मोबाइल है पोको M4 Pro है जिसके अंदर एंड्रॉइड 13 है। बाकी वैसे ब्लैक मैजिक कैमरा ने कहा है कि ये 14 के ऊपर वाले डिवाइसेज में काम करेगा, बट मेरा एंड्रॉइड 13 होने के बावजूद इसमें ये काम कर रहा है। सिंपल बस बात एक है कि उसके अंदर फुल एचडी में काम करता है, मेरे इसमें 720p में ये काम कर रहा है। बट आपको ये एप्लीकेशन कहाँ मिलेगा, देखिए प्ले स्टोर पर ये एप्लीकेशन आपको नहीं मिलने वाला। अगर आप गूगल में सर्च करके उस लिंक के द्वारा अगर प्ले स्टोर पर आते हो तो वहां पर आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा देखने के लिए कि दिस एप्लीकेशन इज अनकंपेटिबल कंपेटिव फॉर योर डिवाइस, मतलब कि आपके मोबाइल में ये एप्लीकेशन जो है काम नहीं करने वाला। तो आपको ये कहाँ मिलेगा, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में जाना है, वहां पर आपको एक वेबसाइट मिलेगी। अगर आप वहां से करना चाहते हो तो ठीक, नहीं तो स्टोर डाउनलोड करके रखेंगे उसका वाला, तो बहुत इजी तरीके से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल उसमें जाना है और ब्लैक मैजिक कैमरा इतना ही डालने से आपका फर्स्ट ऑप्शन जो आएगा, जहाँ साइड में आपको दिख रहा होगा उसको लोगो कौन सा है, ये एप्लीकेशन है जिसको आपको इंस्टॉल करना है और आप ब्लैक मैजिक कैमरा आपका यूज आसानी से कर सकते हैं। इस ऐप की खासियत है कि पूरा सिनेमाटोग्राफी के लिए बहुत बेहतरीन है, जो लोग अच्छे से यूज करना चाहते हैं एप्लीकेशन को उन्हें पता होगा। इसके अंदर आपको जो बैकग्राउंड का ब्लर है इसके अंदर आप बाय डिफॉल्ट मतलब कैमरा के अंदर ही सेटिंग करके मैन्युअली कर सकते हो, जैसे कि DSLR कैमरास में होता है ऐसे। तो ये सब मोबाइल में आपको फीचर्स मिलने वाले हैं। आपके डिवाइस में ये एप्लीकेशन काम कर जाता है या मेरी जो ट्रिक बताई है काम कर जाती है, तो कमेंट में जरूर से एक कुछ भी लिखिए कि हाँ मेरे इस मोबाइल का डिवाइस ये है, इसके अंदर ये काम कर चुका है या नहीं किया है, जो भी है अच्छा या बुरा आप जरूर कमेंट में बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से लाइक करना। मिलते हैं अगले।